रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जन आभार यात्रा भी निकालेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसी के साथ 409 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। 100 करोड़ 66 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन होगा और इसी के साथ 308 करोड़ 87 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। जबलपुर को मुख्यमंत्री का तोहफा, आज कैबिनेट बैठक जबलपुर में हो रही है। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। तो डॉक्टर मोहन यादव का जबलपुर का दौरा ये बेहद ही अहम है और बताया जा रहा है कि जन आभार यात्रा भी निकालेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर जुड़ रहे हैं। कुमार, जबलपुर का मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद ही अहम है, कई 100 करोड़ के योजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं और एक नई परिपाटी की राजधानी से इतर भी कैबिनेट बैठकें होंगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मध्य प्रदेश सरकार ने नया कैबिनेट पैटर्न, इसे हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा कि कैबिनेट पैटर्न पर जो है अलग अलग जिलों में जो है मतलब चार जगह जो है कैबिनेट बैठक इस तरह की आयोजित की जा रही है। इसके बाद जो है रीवा, उज्जैन और ग्वालियर में भी, उज्जैन के बाद ग्वालियर में भी इस तरह की बैठक दिखेगी। तो कह सकते हैं कि सरकार की बिल्कुल नई पहल है, कह सकते हैं कि जनता के बीच में और ज़्यादा करीब जाकर कैबिनेट बैठक करके इस तरह से संदेश देना कहीं ना कहीं ये बताता है कि सरकार आपके द्वार वाले नक्शे कदम पे उस पैटर्न पर जो है वो काम करने के लिए मोहन यादव की नई टीम जो है वो तैयार है। उसी सिलसिले में मध्य प्रदेश सरकार की नई सरकार की पहली बैठक संस्कारधानी जबलपुर में हो रही है, जो मध्य प्रदेश का निकल केंद्र बिंदु है, महाकौशल का भी केंद्र बिंदु जबलपुर कहलाता है। और यहाँ पर ये बैठक होने वाली जहाँ पर 400 से ज़्यादा करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा यहाँ पर आज मिलने वाली है। इसके अलावा संस्कारधानी को क्या कुछ मिलता है वो भी एक अहम फैसला देखने को यहाँ पर मिलेगा। बस कुछ ही पलों में जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफिला जो है वो यहाँ पर जहाँ पर हम लोग मौजूद है, मैं दिखाऊँगा आपको कार्यक्रम स्थल भंवरताल स्थित रानी अवंतीबाई की प्रतिमा, आप देखें विशाल प्रतिमा है। यहाँ पर पहुँचेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव, सबसे पहले इसी प्रतिमा पर जो है वो माल्यार्पण करेंगे। रानी दुर्गावती जो आदिवासियों की जननायक वीर वीरांगना जिन दर्जा दिया गया वहाँ माल्यार्पण करें। इसका उद्देश्य सिर्फ साफ है, उद्देश्य सिर्फ ये है साफ तौर पर जो मध्य प्रदेश जो है वो आदिवासियों की जमीन है, आदिवासियों की बहुतायत संख्या है, लिहाजा मुख्यमंत्री पहला अपना संदेश जो है इस दौरे के मार्फत वो देना चाहते हैं कि आदिवासी उनके एजेंडे में पहले भी था, अभी भी था और आगे भी रहेगा। चाहे वो चुनाव कोई सा भी हो, वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, आदिवासी दलित एससी एसटी सरकार के एजेंडे में है, उनकी पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम का सबसे पहला दौरा, सबसे पहले कार्यक्रम माल्यार्पण करना ये बता रहा है कि उनकी प्राथमिकता अभी भी एससी एसटी आदिवासी ही है और शायद इसी लिहाज से मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। मैं देखो यहाँ पर तमाम मंत्री जो है वो यहाँ पर आगमन शुरू हो चुका है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल वहां पहुंचे हुए हैं, एक कैबिनेट मंत्री जो है संपत्या उइके भी यहां पर आई है, बैठी है, और तमाम विधायक जो है वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो बस इंतजार यहां पर इस बात का हो रहा है कि यहां पर बस कुछ ही पल में मुख्यमंत्री यहां पर आगमन होगा, उनके साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी होंगे और तमाम कैबिनेट के मंत्री जो है प्रदेश के वो यहाँ पर आने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। तो बस थोड़ी देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ आएंगे, माल्यार्पण करके ये संदेश देंगे कि सरकार की प्राथमिकता वही है, चाहे चुनाव हो या नहीं हो, सरकार बनने के बाद जो वादे सरकार ने जनता से किए थे उसकी रूपरेखा बनाने, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने, उसको अमली जामा पहलाने के लिए कह सकते हैं सरकार की योजनाओं को, वो कैबिनेट बैठक यहाँ जबलपुर में रखी गई है और उसी के तहत आज 100 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण, 308 करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण होना है। तो बस कलों का इंतजार है, सब सीएम यहां पर आएंगे और विकास कार्यों की सौगात यहां से माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद सीधा इनका काफिला यहां से जो है रवाना होगा होटल कलचुरी, जहां पर एक बड़ी मैराथन बैठक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर होगी। उसके बाद सीएम जो वहां से बैठक करके निकलेंगे, एक आभार रैली निकलेगी और उसके बाद वो गैरिसन ग्राउंड में उनकी सभा को संबोधित करेंगे और शाम को जो है
5:45 पर शक्ति भवन में कैबिनेट बैठक होगी, जिसके लिए तमाम मंत्रियों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कुमार इंदर, आप इस पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए रखिएगा।